मंत्री अनिल विज की ओर से ऑपरेशन प्रहार की रिव्यू मीटिंग बुलाई गई, जिसमें नशे की रोकथाम को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की गई। दरअसल ऑपरेशन प्रहार के लिए रिव्यू मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें नशे की रोकथाम के लिए विस्तार से चर्चा की गई। हरियाणा में नार्कोटिक ब्यूरो बनाया जाएगा और जब तक नार्कोटिक ब्यूरो नहीं बन रहा, एसटीएफ में वर्टिकल स्तर पर नार्कोटिक सेल बनेगा। इस सेल को एसपी हेड करेंगे। आगे से इसको और मजबूती से चलाने के लिए हरियाणा एक हरियाणा नारकोटिक ब्यूरो अलग से यूनिट खड़ी करेगा स्टेट लेवल पर, और जब तक ये नहीं हो जाती, अभी जो एसटीएफ बनी हुई है अमिताभ ढिल्लो के नेतृत्व में, उसमें वर्टिकल स्तर पर एक नारकोटिक सेल बनाया जाएगा, जिसको एक एसपी हेड करेगा। इसके अलावा विज ने बताया कि एक साल में हरियाणा का अलग से नारकोटिक ब्यूरो बनकर तैयार हो जाएगा। हर महीने ऑपरेशन प्रहार के लिए मीटिंग की जाएगी और इन मीटिंग्स में जो भी डाटा उपलब्ध होगा उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। और वो उसके ऊपर काम करेगा सारी स्टेट में। हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो है कि नशे की सप्लाई को रोकना, और जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको इसमें पकड़ना। एक साल के अंदर अंदर हरियाणा नारकोटिक ब्यूरो जो अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ नारकोटिक्स के लिए होगा, वो काम करेगा। कुल मिलाकर नशा रोकने को लेकर सरकार और गृह मंत्री अनिल विज बेहद गंभीर हैं। नशा रोकने की दिशा में सरकार आने वाले दिनों में बड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।